हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में भारत का राष्ट्रपति। और जो मेन पोर्शन है जहाँ से सवाल आता है, केवल मैंने उसी को लिया है। और मैंने आप लोग को शुरू में ही बोला है कि खास करके जीके में और जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, स्पेसिफिक चीज़ें पढ़े। अब वो दिन नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ के अपने को कुछ फायदा होने वाला है। तो मैंने वही पोर्शन को लिया है राष्ट्रपति में जहाँ से सवाल आएगा, और मुझे पूरा भरोसा है इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। और आज भी आपको हैंड रिटन ही नोट्स मिलेगा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ लिखते चलना, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि पॉलिटी में बिना आर्टिकल का और बिना आपका कुछ रूल्स का कुछ संभव नहीं है, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टाइटल आज का है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है? राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले देखिए, आर्टिकल पढ़ रहे हो 52, है ना? धीरे धीरे मेरे अनुसार हम सब चीज बता रहे हैं। आर्टिकल 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद चले आते हैं आर्टिकल 54 पे। 54 में राष्ट्रपति से रिलेटेड ही बताया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति को किस तरह से आप निर्वाचित यानी चुन सकते हैं। इसके बाद आते हैं 61, और 61 हमारे पास है महाभियोग। और महाभियोग का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्रपति को यदि उसके पद से हटाना है तो किस प्रकार से हटाया जाए, उस प्रक्रिया को महाभियोग चलाना होता है, जो आगे में जा करके आप पढ़िएगा। तो सबसे पहले जो हो गया, सबसे पहले 52, 54 और 61 आर्टिकल जो है वो है सुपर इम्पॉर्टेंट, तो आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद बहुत ही सुंदर पार्ट पे आते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले संघ यानी यूनियन। और इनका जो उल्लेख है आर्टिकल 52 से शुरू हो जाता है और 151 तक लगभग है यूनियन के बारे में। अब रह गया इस संघ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले आएंगे राष्ट्रपति जो सुप्रीमो है, इसके बाद आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देखते चलिए, इसके बाद आ जाएंगे केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल केंद्रीय मंत्री परिषद। बाद में चल करके आपको मंत्री परिषद वगैरह का मीनिंग सिखाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री परिषद, चौथा आ जाएगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने। उसके बाद हमारे पास आ गया सीएजी, कैग आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो ये पांच जो पोर्शन है वो किसी संघ के अंतर्गत आते हैं, और इनका जो मेन लीडर होता है वो होता है राष्ट्रपति। आज हम लोगों को इसी के ऊपर पूरे अच्छे से फोकस करना है। अगर आपको मैं बोलता हूं कि राष्ट्रपति का आर्टिकल कहां से कहां तक बताया गया है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी डिटेल हैं वो हैं 52 से 62 के बीच, बीच तो नहीं बोल सकते हैं तक। तो 52 से शुरू करके 62 तक राष्ट्रपति के लिए उल्लेख किया गया है। आइए धीरे धीरे हम लोग पढ़ लेते हैं, और अच्छे से पढ़िएगा। ये पहला नोट हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है? अच्छा, 52 के बारे में मैंने बता दिया, और पहला नंबर पॉइंट सोचिए 52 से रिलेटेड होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सेकंड नंबर पॉइंट जाते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका, अभी थोड़ा देर में कार्यपालिका बताएंगे क्या होता है,
कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो संघ का जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख होता है। अब मन में विचार आता है भाई कि कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आता होगा, तो कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति जी तो बिल्कुल आते होंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो गए राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उपराष्ट्रपति, क्योंकि उनके एब्सेंस में तो यही कार्यभार संभालते हैं। इसके बाद हमारे पास हो गया प्रधानमंत्री, और चौथा हो गया मंत्री परिषद, जिसके बारे में आप लोग को बाद में बताया जाएगा। यानी कार्यपालिका का निर्माण टोटल चार लोगों से या चार पदों से होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और हमारे लिए बहुत आसान है, इन तीनों में अभी कौन कौन वर्तमान में सबको पता होगा भाई, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं। अब रह गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, राष्ट्रपति की योग्यता। तो कम से कम इतना तो है भारत वाला मेहरबान कि कम से कम राष्ट्रपति के लिए तो योग्यता है भाई, नहीं तो आजकल नेता बनने के लिए जितना कम योग्यता है नेता वही बनता है जितना कम पढ़ा लिखा हो। जैसे हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री, जैसे हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, जैसे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, तीनों ही अशिक्षित लोग कितने अच्छे अभी पोस्ट में बने हुए हैं, 12वें पास और 10वें पास, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम राष्ट्रपति का कुछ तो मतलब योग्यता है, ठीक है। चलो, तो राष्ट्रपति का हमारे के पास सबसे पहले तो राष्ट्रपति के बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तो चलिए हर में कॉमन पॉइंट होता है। सेकंड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि उनकी एज जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, ये उसकी एज होनी चाहिए उस व्यक्ति की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, तो याद रखना 35 वर्ष होना चाहिए एज। और तीसरा होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। यानी सदस्य होना मतलब सांसद वो बन सकता है, या आप कह सकते हो कि जो सांसद है वो में भी राष्ट्रपति के लिए चुने जा सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट हो गए जो राष्ट्रपति की योग्यता के लिए है। इसके बाद अगर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं तो सबसे पहले चीज हमारे पास है राष्ट्रपति का इनकम कितना है। तो मैं आपको बताता हूं पुराना वाला, और आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताइएगा नया वाला। पुराने टाइम पे राष्ट्रपति का इनकम था 1.5 लाख, यानी 1,50,000। आप मुझे बताइएगा अभी राष्ट्रपति को कितना मिलता है। और मैं अपनी राय बताता हूँ टीचर से हटके, एक भारतीय नागरिक के तहत, जो हम ऑफलाइन में हमेशा बोलते हैं बच्चों को कि भारत में राष्ट्रपति का पद बिल्कुल हटा देना चाहिए। ये मेरी एक आम भारतीय की सोच है, टीचर की सोच नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा है कि हमारे राष्ट्रपति कहीं पे कुछ करते भी हैं। हमारे राष्ट्रपति का काम है साइन करना, मन करे तो कहीं पे घूम के आ जाना, और राष्ट्रपति शासन के समय दूसरे को बस ऑर्डर पे ऑर्डर देना, करने का कुछ नहीं करना। ये मेरी अपनी राय है, बाकी हम टीचर बन के तो आपको अच्छा ही बोलेंगे। खैर चलिए, ये हो गया यहां तक का डिटेल। अब हम लोग चले आते हैं आगे की ओर। आगे आइए, अच्छे से ध्यान से नोट्स बनाते चलिए। अगला हमारे पास है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे राष्ट्रपति को लोग चुनता है, तो किसमें यह वर्णन किया गया है, 54 में, है ना। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो वोटिंग से ही होता है, वोट द्वारा ही होता है, वोट देते हैं। वोट कैसे देंगे मेरे भाई, किस तरह से वोट दिया जाता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आएगा लोकसभा, यानी आपको याद है ना लोकसभा निम्न सदन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद और कौन वोट करेगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब जो उसमें है। प्लस और कौन वोट कर सकता है, एमएलए ऑफ स्टेट्स,
है ना, विधायक यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा हर राज्य के, है ना, उसके एमएलए जो हैं वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा, वैसे सबको पता ही होगा कि अभी भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मन करे तो बता सकते हो, ठीक है। तो जितने राज्य भारत में हैं और केंद्र शासित प्रदेश, चूंकि ये होमवर्क दिए थे इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, उसके एमएलए भी वोट कर सकते हैं। तो यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए जो होते हैं, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया, वो सारे लोग वोट करेंगे और राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो कौन चुनता है मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद एग्जाम में बहुत एक फेमस क्वेश्चन बना हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या कहलाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय वोट। एकल संक्रमणीय वोट पद्धति एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसको हम इंग्लिश में भी जरूर से लिखेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये होता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है। कैसे होता है वो तो मैंने बताया, कौन कौन वोट करता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। यहां पर देखिए और एक स्टार मार्क है, जितने कैंडिडेट होंगे, जितने कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना पड़ेगा, सबको वोट देना है प्रायोरिटी के आधार पे, प्रायोरिटी के आधार पर। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, मान के चलिए राष्ट्रपति के लिए एक व्यक्ति का नाम ए है, एक व्यक्ति का नाम बी है, एक व्यक्ति का नाम सी है, तीन उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए है। तो लोकसभा के जितने मेंबर होंगे, राज्यसभा के जितने मेंबर होंगे और जो एमएलए होंगे, उसको तीनों को वोट देना जरूरी है, तीनों को तीनों। अब आप सोच रहे होंगे यार सबको वोट देगा तो फिर काउंटिंग कैसे होगा, कैसे चुनाव होगा, सबको तो इक्वल वोट मिल जाएगा। तो जिस तरह से आप लोग फॉर्म भरते हैं और पोस्ट के लिए प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, उसको एक नंबर उसको दो नंबर, सेम उसी तरह से यहां पर वोटिंग होता है। अगर तीन लोग खड़े हैं तो मान के चलिए मैंने इसको एक नंबर प्रेफरेंस दिया, इसको दो नंबर दिया और इसको तीन नंबर दिया, तो इस तरह से सारे लोग प्रेफरेंस में वोट कर दिए। आखिरी में काउंटिंग होता है कि देखा जाता है किसको एक नंबर में ज्यादा प्रेफरेंस मिला है, उसी को बना दिया जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वोटिंग होता है। और सबसे कमाल की बात है कि जितने मेंबर्स होते हैं संसद में, ठीक है ना, वो सबको, सभी कैंडिडेट को वोट देना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं भाई आगे। इसके बाद हमारे पास हो गया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता होगा। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और बड़ी विडंबना देखिए कि जब मुख्य न्यायाधीश कुछ गलती कर दे तो उसको हटाने का यानी साइन करने का काम दोबारा राष्ट्रपति करता है। मतलब सोचो बेचारा आज किसी को राष्ट्रपति का शपथ दिलाया, अगले सप्ताह वो मुख्य न्यायाधीश कहीं पकड़ा गया, उसको हटा दिया। मतलब क्या, मतलब एक सोचते हैं कभी सोच करके इस तरह से कि जो व्यक्ति आपको काम पे लगा रहा है वही व्यक्ति फिर आपको काम से हटा दे रहा। तो खैर ये संविधान है, इलीगल करेंगे तो जाना तो सबको पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक आ गया शपथ कौन दिलाता है। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है।
आपको याद होगा राम मंदिर का, उसके बाद कौन हटा था, अभी वर्तमान में कौन है, ठीक है, कुछ बोबड़े वगैरह का कुछ नाम आपको याद होगा, जस्टिस समथिंग। तो बस मैंने हिंट दिया अभी कौन है फिलहाल, आपका ये सेकंड नंबर का होमवर्क है, एक होमवर्क तो मैंने आपको दे ही दिया है। अब चले आते हैं थोड़ा और आगे। अब ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के अधिकार क्या-क्या हैं। राष्ट्रपति कर क्या सकता है, ये आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। ऐसे तो आप सोचिए कि लगभग जितने सारे मेन मेन काम है करना तो इन्हीं को चाहिए, लेकिन पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। मैंने तो बस देखा इतना ही है कि साइन कर देते हैं भाई, ठीक है, साइन करने में जबरदस्त एक्सपीरियंस राष्ट्रपति का होना चाहिए, ठीक है। ये फिर से मेरा अपना सलाह है, मेरे को यार ये पोस्ट एकदम पसंद नहीं है, तो बार बार हम इसकी बुराई ही करते हैं, ठीक है। हमारे रामनाथ कोविंद जी व्यक्ति की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुराई इसलिए होता है कि जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था, प्रधानमंत्री जी इतना देश को बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे, समझा रहे थे, हमारे रामनाथ कोविंद जी मोमबत्ती जला रहे थे, हमारे रामनाथ कोविंद जी ताली बजा रहे थे। मतलब एक व्यक्ति का एक दायित्व तो होना चाहिए कि आप सबसे सुप्रीम पोस्ट पर हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिस तरह प्रधानमंत्री देश को जागरूक कर रहे हैं, आपका भी काम होना चाहिए। कि इतना सैलरी आपको मिलता है 5 लाख रुपए, तो इतना सैलरी के बावजूद आप देश को जागरूक नहीं करते हैं, बस मोमबत्तियां और थाली बजा के रह जाते हैं। बाद में उन्होंने किया है, कुछ दान किया है अपने सैलरी के हिस्से का, तो खैर घर पे रह के कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जरूरत है सामने आने की। खैर यार चलिए, तो राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या है, तो सबसे पहले तो नियुक्ति, ये बंदा नियुक्ति नियुक्त करते रहता है, जहां देखो उधर ही साइन करके नियुक्त कर देता है। सबसे पहले किसकी नियुक्ति करता है, भारत के प्रधानमंत्री, पहला ये हो गया। उसके बाद सेकंड नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद। उसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, मतलब एक साइकिल चला हुआ है, मुख्य न्यायाधीश उसको सफल दे आएगा, फिर अगले बार ये करेगा। उसके बाद लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप लोग एग्जाम वगैरह देने की सोचते हैं या दिए भी होंगे। तो आपको तीसरा सवाल निकल के आया है अभी, ये भी व्यक्ति फेम बने हुए थे बीच में, कि वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, ये आपका तीसरा सवाल है। अगर कोई बंदा मेहनत करना चाहता है भले ही आप नेट से खोज के बताइए, लेकिन बताइए कम से कम इस हिसाब से पढ़ तो लीजिएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वित्त आयोग के सदस्य, यानी मेंबर ऑफ फिनांस, उसमें भी नियुक्ति करते हैं, और राज्यों के राज्यपाल। और एक और ऐसा पोस्ट है हमारे में जिसका कोई काम नहीं है, जैसे आपको पता है कि किसी भी राज्य का सुप्रीमो कौन होता है, राज्यपाल होता है, गवर्नमेंट होता है, लेकिन आप मुझे बताइए झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो भी हैं, है ना, आप मुझे बताइए कितनी बार आपको मार्केट में देखते हैं, और कितनी बार उनका नाम सुनते हैं, कितनी बार उनको टीवी में देखते हैं, क्या करते हैं ये लोग भाई, बस महीने में उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है और मस्त खा रहे हैं जी रहे हैं। कभी एक बार भी इन लोगों का मतलब मन नहीं होता है कि किसी भी स्टेट के बारे में बह रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टेट को छोड़ के एक्टिव काफी है, कि इंसानियत के नाते कुछ आके लोगों को समझा तो दो इस बुरे वक्त में, लेकिन नहीं, ना प्रधान, ना माफ कीजिएगा राज्यपाल को मतलब है, ना हमारे राष्ट्रपति को मतलब है, मतलब इनको इतना ही है पैसे कमाओ और आराम से सो। चलिए, और ये पोस्ट का हम भाई जिंदगी भर बुराई करते रहेंगे, ये दोनों पोस्ट भारत से हटना चाहिए, एक तो फ्री में पैसा जा रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, सेकेंड नंबर काम क्या होता है, संसद द्वारा प्रस्तावित कानून
को लागू करना, ये भी काम राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा से जब प्रस्तावित हो गया कानून, मुझे अब बनाने का प्रस्ताव आ गया है, तो उसको निर्णय लेना कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए राष्ट्रपति का। जैसे 370 हटा है, नया बना, तो वहां पर दोनों में बहस चला, दोनों सदनों के सदस्य एग्री कर गए और फिर राष्ट्रपति जी ने उसमें सहमति जताया कि जी हाँ करना चाहिए। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो हो गए राष्ट्रपति के अधिकार, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन मेन मैंने लिख दिए। अच्छा, अब चलते हैं भाई आगे, इसको आप नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे भैया? राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या पता ये राहुल गांधी को भी पता हो कि नहीं, वो बंदा तो ऐसे ही इधर उधर भटकते रहता है। उनको अगर ये सवाल पूछ दे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, मुझे तो शक है भाई कि बताने सके। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हमारे आर्टिकल 61 में है, जो राहुल गांधी को भैया पसंद करते हैं उनको दूर से प्रणाम, ठीक है, पसंद अपनी जगह और सच्चाई अपनी जगह। तो सबसे पहले आ जाते हैं संसद पे। हमेशा याद रखिएगा, कानून बनाना नहीं बनाना सब संसद से ही लेना देना है, यानी लोकसभा राज्यसभा, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल खुद होते हैं। सबसे पहले आ जाइए लोकसभा में, देखिए लोकसभा में, और पहला स्टेप क्या होगा ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। स्टेप नंबर वन, संसद में जितने सदस्य होते हैं यानी 545, उसका 1/4 भाग, उसका 1/4 लिखित नोटिस देंगे, लिखित नोटिस, ठीक है, राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देंगे। सबसे पहला स्टेप आपने समझा, लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उनका 1/4 सदस्य लिख के देगा कि यार राष्ट्रपति को हटाना है। चलो यहां तक पहला स्टेप हुआ। स्टेप नंबर टू पे आते हैं। स्टेप नंबर टू में क्या होगा, लिख तो दिया, अब क्या होगा, दो तिहाई वोट होना चाहिए। इसको ऐसे समझिएगा कि संसद में, माफ कीजिएगा, लोकसभा में 545 जो सदस्य होते हैं, मैक्सिमम 552 होते हैं, उसमें से दो तिहाई वोटिंग जो होना चाहिए वो राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में होना चाहिए, तब बात आगे बढ़ेगा। पहला स्टेप आप समझ गए, 1/4 लोग लिख के देना चाहिए। अब मान लीजिए कि सेकंड में हम आपको पूछ दें कि यार डायरेक्टली कितना वोट होना चाहिए, तो 2/3 निकालो, मैथमेटिक्स हमारा अच्छा है, तो 181 इतना ही करो ना, तो यानी 362 लोगों को बोलना चाहिए कि भैया राष्ट्रपति को मुझे हटाना है। अब यहां से सोचिए, लोकसभा से रास्ता क्लियर हो गया, यानी लोअर हाउस यानी निम्न सदन से मामला क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे राज्यसभा, चूंकि अपर हाउस यही है यानी उच्च सदन यही है, लास्ट में इसी के पास घूम फिर के आएगा, और राज्यसभा में जब ये प्रस्ताव आएगा तो स्टेप नंबर तीन हम लोग का एकदम सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। राज्यसभा में जो हमारे पास आएगा सेम टू सेम, 2/3 फिर वोट होगा, 2/3 वोट होगा, ठीक है ना। और सेम अगर 2/3 भोग राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, वोट राष्ट्रपति के विरोध में पड़ा, तो फैसला एकदम हो जाएगा कि भैया राष्ट्रपति जी अब तो आपको पद त्यागना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे मुंह सुखा के करें या स्माइल करके करें या अंदर में गुस्सा करके करें, जाना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, आपका 5 लाख रुपए गया। तो भाई इस तरह से हम लोग राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ये भी हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, आशा करते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब यार हम लोग चले आते हैं थोड़ा सा कुछ और पॉइंट पे। चलो अब आप मुझे बताइए, है ना, पहला नंबर कुछ पॉइंट्स अब आपको हम बताते हैं। एक अनुच्छेद होता है भाई 72, यानी आर्टिकल 72, और आर्टिकल 72 आप हाल में ये बहुत चल रहा था, किसी अपराध के लिए, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए,
दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। थोड़ा हम यहां तक लिख के बंद करते हैं। तो यानी ये हो गया कि मान लीजिए कि मैंने कोई क्राइम किया है और मेरे को सजा हो गया, तो हम राष्ट्रपति को, जैसे ये रेप कांड में बार बार वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो कोई भी अपराधी दया याचना के लिए, माफ करवाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिख सकता है और उसको माफ करना ना करना फिर राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा नंबर ये हो गया कि हमारे में तीन सेना है, जल थल और स्थल। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, जल वायु और स्थल। ठीक है, तीन सेना का जो प्रमुख होता है वो हमारा राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, तीसरा, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को हटा दिया तो राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा ना, राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा, या मान के चलिए कि उनको काम नहीं करना, अपनी मर्जी से त्याग पत्र देंगे, तो किनको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। यह उपराष्ट्रपति भी मस्त पोस्ट है यार। ठीक है, कुछ करे बाहर आए तो राष्ट्रपति टेंशन ले, हम तो भैया रिजर्व हैं, रिजर्व तेल हैं, जब आप मेरे को यूज करिएगा तब हम कुछ करेंगे, लेकिन पैसा महीना में लेते रहेंगे। मस्त पोस्ट सब है भाई, आप लोग भी पढ़ो लिखो कितना अच्छा ऐसे में चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं भाई आगे की ओर, लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में दो सदस्य जो हैं, ठीक है, और ये दो सदस्य कहां, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन चुनने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, कहां पे, लोकसभा में। और राज्यसभा में कितने चुन सकते हैं, 12 व्यक्ति। कहां कहां से, मैं बताता हूं, 12 व्यक्ति कला से चुन सकते हैं, साहित्य से चुन सकते हैं, पत्रकारिता से चुन सकते हैं, यह राष्ट्रपति का अधिकार है यानी शक्ति बोल रहे हैं, विज्ञान से और सामाजिक कार्यों से। ठीक है, तो यहां पर हो गया कि राष्ट्रपति का और एक पावर देखिए, लोकसभा में दो आदमी ऐसा चुन सकता है जो एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन के बारे में फिर कभी हम डिटेल में बता देंगे, मतलब फिलहाल के लिए इतना ही बताते हैं कि मान के चलिए वो पहचान भारत से ही होगा उनका। सपोज करिए आप पेरेंट बन गए और आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और विदेश में ही पढ़ के वापस भारत लौट गए, ठीक है, उस हिसाब से वो कहला सकता है। या मान के चलिए कि कोई भारत का व्यक्ति विदेश वाली लड़की से या लड़के से शादी कर ले, तो उस हिसाब से एंग्लो इंडियन कहला सकता। और भी शर्तें होती है, और एंग्लो इंडियन को रेलवे के बच्चे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अक्सर बताते हैं, तो कभी लोकसभा राज्यसभा पढ़ाएंगे ना तो वहां पर आपको एंग्लो इंडियन का डिटेल बता दिया जाएगा। यहां पर आपने चौथा पोर्शन समझ लिया है। पांचवा नंबर पॉइंट ये कहता है कि दोनों सदन का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। ये हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, दोनों सदन का संयुक्त सत्र यानी लोकसभा राज्यसभा का, दोनों का इकट्ठा मीटिंग राष्ट्रपति ही बुला सकता है। आशा करते हैं यार समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आपने समझ लिया ना कि राष्ट्रपति का अधिकार क्या क्या है, विस्तृत अधिकार है। आइए थोड़ा और ज्ञान लेते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। उसके बाद राष्ट्रपति की आपातकाल प्रक्रिया, आपातकाल शक्ति कर देते हैं। आपातकाल यानी इमरजेंसी। आपातकाल याद रखने का बहुत ही सुंदर सा नियम है, आप लोगों को भी पता होगा। आपातकाल तीन आर्टिकल में सीमित होता है, 352, फिर 4 जोड़ो 356, फिर 4 जोड़ो 360। पहले तो तीन तरह के आपातकाल देश में होते हैं या लगाए जा सकते हैं। 352 को कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये कब लगता है, जब देश में युद्ध शुरू हो गया, या मान के चलिए हमारे देश में बाहर से आक्रमण हो गया, या मान के चलिए देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया।
तो 352 जो हो गया वो राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है, यानी राष्ट्र के अंदर लगेगा। किस संदर्भ में? युद्ध में हो सकता है, बाहर से कोई देश आक्रमण कर दिया या अपने देश में सशस्त्र विद्रोह कर दिया, उस स्थिति में हम लोग लगा सकते हैं। ये 356 क्या है भाई? तो 356 है राज्य से रिलेटेड, है ना। और कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, बहुत अभी हाल में तो आप देख ही सक रहे हो, ठीक है ना, बहुत जगह में लगा भी, मुंबई में लगा था, जम्मू कश्मीर में लगा था, तो इस तरह से बहुत जगह में आपातकाल लग रहा था, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि राज्य में लगता है और कुछ विशेष स्थितियों में लगता है। मान लीजिए राज्य के अंदर काफी ज्यादा उपद्रव हो रहा है, सपोज करिए कि मुख्यमंत्री के ऊपर ही एलिगेशन लगा दे लोग, तो वहां पर राष्ट्रपति अपना पावर दिखा सकता है, ठीक है। और 360 जो हो गया ये वित्तीय आपातकाल होता है। और वित्तीय आपातकाल क्या होता है मेरे भाई? मान के चलिए देश में बहुत बड़ी समस्या आ गई धन से रिलेटेड, हमारा देश दिवालिया होने के कगार पर है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपकी जितनी संपत्ति है यानी इंडियन पब्लिक की जितनी संपत्ति है उस पर अधिकार हो जाएगा भारत सरकार का। आपका घर जो हो गया उसका अधिकार हो जाएगा भारत सरकार का, आपके सामानों पर अधिकार हो जाएगा भारत सरकार का। और अभी तक तो ऐसा नौबत नहीं आया, भगवान करे भविष्य में भी ऐसा नौबत नहीं है। तो जब देश में बहुत आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है तब इस तरह के वित्तीय आपातकाल लेने पड़ते हैं। तो यहां से बोलते बोलते एक प्रश्न याद आता है, मेरे को तो आंसर पता, आप मुझे चौथे एक होमवर्क का जवाब बताना कि वित्तीय आपातकाल अभी तक कौन से देश में लगा हुआ है, कब, बताने की जरूरत नहीं है, वित्तीय आपातकाल किस देश में लगा हुआ है मुझे आप जरूर से याद करके बताइएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल समझ गए, 52 में 300 तो है, 56 में आपका राज्य में वित्तीय आपातकाल क्या होता है मैंने बताया, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये आपातकाल हमारे देश में कितने बार लग चुके हैं, तो हमारे देश में आपातकाल 3 बार लग चुके हैं। कब कब लगा है भाई? 1962 में। 1962 में याद है इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, और आपको पता है ना इंडिया चाइना का युद्ध हुआ है तो बाहरी आक्रमण या युद्ध के समय, तो यानी 352 आर्टिकल के तहत लगा होगा। उसके बाद हो गया है 1971 में, और ये इंडिया पाक का युद्ध हुआ था, चाइना से तो हम लोग हार गए और पाक को तो पाक ही हम लोग कर देते हैं हमेशा। इसके बाद आ जाते हैं भाई 1975 में, ये जो हो गया था आंतरिक शांति भंग होने के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, ये हवा माने बोल करके, लेकिन एक काला दिन माना जाता है ये 1975। तो अभी तक हम लोग कह सकते हैं कि 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति क्या होती है समझ गए, आपातकाल कितना होता है ये समझ गए, कितनी बार हमारे देश में लगा ये समझ गए। अब आ जाते हैं आखिरी पोर्शन पे। अब कुछ छोटा सा टॉपिक, मतलब कुछ पॉइंट, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, इनका नाम है आप लोग को पता ही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पहली महिला राष्ट्रपति, इनको भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहली महिला राष्ट्रपति इनका नाम क्या है? प्रतिभा पाटिल जी। इसके बाद आ जाते हैं निर्विरोध जीतने वाले पहले राष्ट्रपति, पहले बोले या एकमात्र बोले, निर्विरोध मतलब क्या है, इसका कोई विरोधी नहीं किया है, तो नीलम संजीव रेड्डी, इनका किसी ने विरोध नहीं किया, खुद हम लोग माने खुद राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद चौथा एक सवाल हमारे पास आएगा, किस राष्ट्रपति की मृत्यु, किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, थोड़ा हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहते हैं। तो सबसे पहला नाम जो ऑप्शन में दिखता है वो है जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1967 से 69 तक रहा था और बहुत ही कम, और दूसरा था फखरुद्दीन अली अहमद,
ये है 1974 से 77, 1974 से 77। तो ये था दोस्तों राष्ट्रपति का मेन मेन एक ऐसा टॉपिक जहां से ही क्वेश्चन आता है, आपको ये नहीं कि पूरा घुस के पढ़ना है। हाँ, अगर आप यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी या कुछ ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा ही डीप नॉलेज चाहिए तो वहां पढ़िए, और पढ़ना पड़ेगा भी, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ जो मैंने बताया इससे बाहर सवाल ही नहीं आता है, ठीक है? तो ये राष्ट्रपति का था आपका थ्योरी पोर्शन। अब चलिए आपको कुछ एमसीक्यूज दिखाते हैं। अब आप पढ़ करके ये देखिएगा ना, तो अंदर से इतना अच्छा फीलिंग आएगा, सबका उत्तर आपको पता होगा। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्य को नामित किया सकता है? तो याद करिए, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, तो दोनों सदन में टोटल 12, 2 14, एसएससी में आया होगा। कितना आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आ जाते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद। तो उत्तर हो जाएगा संसद, क्योंकि संसद के अंदर 3 आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और खुद राष्ट्रपति, ठीक? इसके बाद आते हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा भी क्वेश्चन पे 12, और लोकसभा के लिए 2। लोकसभा के लिए 2 कहां से आते हैं? एंग्लो इंडियन, ठीक है? तो देखिए, सबका आंसर आपको पहले ही पता है, थ्योरी पढ़ने का यही फायदा है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति बोल दिया तो यार 99% में राष्ट्रपति आंसर होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति। देखो एग्जाम में आया हुआ है सब। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फिर से आंसर राष्ट्रपति होगा, नियुक्ति पूछ रहा है। और आपको मैंने होमवर्क दिया, फिर से रिपीट करा देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। 6 नंबर, इनमें से कौन से वो राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे? तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है? बहुत ही अच्छे व्यक्ति, ठीक है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति। आगे चलते हैं, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो उत्तर हमारे पास आ गया है, राष्ट्रपति, है ना? अभी बिपिन रावत जी को बनाया गया है तीनों का मेन, लेकिन इनके ऊपर जो है फिर से वही राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, केवल 2 व्यक्ति, 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प भरे जाने वाले उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी, याद है पढ़ाए थे? यानी एकल संक्रमणीय वोट में लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए वोट करते हैं, कितने को वोट कर पाएंगे? जितने व्यक्ति खड़े होंगे सबको वोट देना पड़ता है। चलो, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने निर्विरोध चुना गया? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। आगे चलते हैं, संविधान भारत मापिए राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो याद करो यार, 352, ये राष्ट्रीय है 352, देखो अपने बोल बोल के याद करो, ये राज्य वाला है 356, 360 वित्तीय है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? याद आया, 1962 में, 1971 में, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो आंसर 3 बार। इसके बाद है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल लगाई? आंतरिक अव्यवस्था मतलब अंदर में शांति का माहौल में गड़बड़ी हो गया था, तो इंदिरा गांधी के सरकार के समय था, 1975। मजा आ रहा भाई आंसर बोल के, क्योंकि हमने थ्योरी में बहुत अच्छा पढ़ा। संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी मान के चलिए देश में संविधान फेल हो रहा, कहीं पर राज्य में दिक्कत हो रहा, तो राज्य से पूछ रहा है, तो यानी आंसर 356, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता? देखिए ये सवाल कितना बार रिपीट हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे उपराष्ट्रपति को, रेजिग्नेशन लेटर। इसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 साल। आसान सवाल था, ठीक है? आगे चलते हैं,
भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? पहले तो एक हम लोग ये रिवीजन करते हैं, महाभियोग कौन से आर्टिकल में, 61, और कैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, स्टेप वन। फिर से रिवाइज करिए, रिकैप मारिए, 1/3 पहले लिखित नोटिस देगा लोकसभा में, राज्यसभा माफ कीजिए, फिर लोकसभा में स्टेप नंबर 2 चलेगा, 2/3 लोग वोट करेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और 2/3 लोग फिर वोट करेगा राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में, तो आपका राष्ट्रपति हट जाएगा। फिलहाल यहां पूछ रहा कौन सा देश से लिया गया, यूएसए। राष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी रिटायरमेंट एज क्या है, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। संसद के दोनों सत्र का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, अभी ताजा ताजा हमने पढ़ा है राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ठीक है, यही तो इनके अधिकार हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है जी, 3 तरह का, राष्ट्रीय, राज्य और तीसरा वित्तीय। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा चुके हैं भगवान की दया से, अभी तक एक बार भी नहीं लगा, नहीं तो आपके मेकअप के सामान भी ले उड़ते लोग, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कभी नहीं है ना, नहीं तो लड़कियां लोग ज्यादा चिंतित रहती कि उनके लिपस्टिक पे भी राष्ट्रपति भारत सरकार का अधिकार हो गया है ना, बेचारी लोग बड़ा टेंशन में आ जाती। चलो भाई ठीक है, इसके बाद आते हैं वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अपने को बहुत अच्छे से याद हो गया है 360 में, ठीक है, आसान सवाल था। आगे चले आते हैं, शायद यही लास्ट है। भारत में किस प्रकार की आपात की स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, यानी एक बार, तो याद करिए राष्ट्रीय वाला है और आंतरिक शांति के कारण भंग की गई थी, तो आंसर है आंतरिक आपात स्थिति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं, कौन चला सकते हैं भाई, लोकसभा राज्यसभा वाले मिलके, तो किस में आते हैं, संसद में आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और कहां से थे, बिहार से थे। तो ये था राष्ट्रपति का आपका एमसीक्यू, आशा करते हैं क्लास पसंद आया होगा। लिमिटेड में हमने 99 नहीं 100% कवर कर लिया, तो चलिए भाई पॉलिटी का यही क्लास था, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ओके, थैंक यू।